अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाह ज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक और न्यू स्मार्टफोन के बारे में है जो कि पोको की तरफ से है। अब पोको X3 का यहाँ पे अपर वेरिएंट है वो, जो कि है पोको X3 प्रो। अब ये जो स्मार्टफोन है फुल्ली गेमर्स को टारगेट किया गया है स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर हमें काफ़ी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, बाकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो बस हमें नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप एक गेमर हैं और आपको पबजी वगैरह या और गेम्स वगैरह हैं आप उसके लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली है इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाता है पोको X3 की तरह ही। बैक साइड पे हमें यहाँ पे जो वर्टिकल यहाँ पे रेक्टेंगल है उस तरह के डिवाइडर देखने को मिल जाएंगे, बड़ी सी की पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी हमें सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है, एक सर्कल के अंदर हमें उसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल है इसका वो देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसके अंदर हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इनको चाहिए था कि डिज़ाइन इसका थोड़ा बहुत तो चेंज करते हैं ताकि एक न्यू मोड स्मार्टफोन लगता एज़ कम्पेयर टू पोको X3। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लीक्स हैं, यहाँ पे लीक्स तो नहीं कह सकते, कंफर्म है इसका ऐसा ही डिज़ाइन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पे वही पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर के ऊपर, जिसका साइज भी काफ़ी छोटा है। तो ये अच्छी बात है, फ्रंट साइड हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है जैसे कि पोको X3 के अंदर देखने को मिलता था। इसके अंदर हमें 6.67 इंच का एक जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा, IPS LCD ही या यहाँ पे हमें AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन हैं, 1080p x 2400 pixels, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है, 240Hz का जो टच सैम्पलिंग रेट है यानी कि टच इतना रिस्पॉन्सिव होगा यानी जैसे ही आप टच करेंगे स्क्रीन को तो इसका 240Hz तक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाला है इसकी जो फ्रंट साइड है। और इसके अलावा 450 nits तक के जो ब्राइटनेस लेवल हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो डे लाइट के अंदर इतना कोई विजिबिलिटी इशू नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत इसका विजिबल है इतना नहीं रहेगा डे लाइट के अंदर, क्योंकि जो ब्राइटनेस लेवल है इतना कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इसका फ्रंट डिस्प्ले ठीक देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले लगा दिया जाता तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकती थी, क्योंकि पोको X3 के अंदर भी यहाँ पे IPS LCD ही है और यहाँ पे भी यही लगाया गया है IPS LCD, तो ये इतना कोई जस्टिफाई नहीं होता। तो खैर यहाँ पे अब बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की, जो कि इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 860 देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और एक ऑक्टो कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलेगा वो एंड्रीनो 640 का है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है फुल टॉप ऑफ द लाइन की आपको देखने को मिलेगी। पबजी के अंदर भी उम्मीद है 90 FPS के जो स्पोर्ट है पोको X3 प्रो के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा हाई टास्किंग यानी कि मल्टीटास्किंग, हैवी एप्स वगैरह, सोशल मीडिया, डेली यूज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा पोको X3 प्रो। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके वेरिएंट की, तो इसके जो दो वेरिएंट आएंगे लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ही आएगा, एक 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज वाला है और इसके अलावा 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ है। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 की देखने को मिलेगी। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह है, आपको जो परफॉर्मेंस है स्मूथनेस भी अच्छी होगी 120Hz की वजह से, जो इसकी रीड राइट स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एक अच्छा फील आने वाला है, एक फास्ट स्मार्टफोन लगेगा ये जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। तो वेरिएंट वगैरह वाइज देखा जाए तो इसका एक ही वेरिएंट आएगा 6128 वाला पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें MIUI 12 के साथ पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। तो एंड्रॉयड वाली साइड से भी हमें ये लेटेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें इसके कैमराज डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। इसकी बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है जिसके अंदर मेन सेंसर 48 MP का है, जबकि पोको X3 इसका जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर 64 का देखने को मिलता था। तो ये यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया गया है कैमरा वाली साइड से। इसके अलावा 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 20 MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कैमराज देखा जाए तो बस ठीक देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे गेमर्स को टारगेट किया गया है तो इस वजह से जो कैमराज हैं उनको पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई और इतने कोई हाई एंड नहीं लगाए गए, आपको नॉर्मल कैमराज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर बैटरी भी ठीक देखने को मिल जाती है, 5160 mAh की बैटरी,
टाइप सी भी है इसके अंदर और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है पोको एक्स 3 प्रो के अंदर। तो बैटरी वाली साइड भी ठीक है, आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिलेगा और जो फास्ट चार्जिंग है 0 से 100% वो भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। और अब यहाँ पे बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन के थिकनेस और वेट की, तो ये 9.4 mm थिक देखने को मिलेगा, जबकि वेट की बात कर ली जाए तो 215 ग्राम का देखने को मिलता है। तो वेट वाली साइड से और थिकनेस वाली साइड से ये थोड़ा अजीब देखने को मिलता है, आपको थोड़ा थिक भी देखने को मिलेगा और हैवी भी, तो हैंड फील वगैरह है इतनी इसकी कोई खास नहीं होगी। तो आप इसको नज़र में रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थिक और हैवी मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके 3 कलर्स होने वाले हैं, एक ब्लैक, ब्लू और एक गोल्ड कलर होगा। तो लेट्स सी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कौन से कलर्स आते हैं। और इसके अलावा इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें ऑब्वियसली साइड माउंटेड देखने को मिलेगा पावर बटन के अंदर, इसकी जो स्पीड वगैरह है वो हमें ठीक देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए स्मार्टफोन को तो स्मार्टफोन अच्छा है, यहाँ पे हाईली गेमर को टारगेट किया गया है जो फुल गेमर्स हैं, क्योंकि चिपसेट काफ़ी अच्छी लगाई गई है। बाकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो एवरेज किस्म की हैं, इतनी कोई हाई एंड भी नहीं है ना इतनी कोई लो है, आपको नॉर्मल किस्म की देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप तो गेमर हैं, अगर आपको गेम के लिए एक मोबाइल फ़ोन चाहिए अच्छी रेंज के अंदर, यानी कि आपका बजट है थोड़ा अच्छा खासा, तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए है। और यहाँ पे प्राइस की बात कर लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे जो इसकी प्राइस होने वाली है अगर इसको कन्वर्ट किया जाए दूसरी मार्केट की प्राइसेस के साथ, तो इसकी जो प्राइस हो सकती है 50,000-55,000 इसके दरमियान में कहीं पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इसकी जो वो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई एंड है, तो इस वजह से थोड़ा इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडर 50 के आता है तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है, एक अग्रेसिव वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसकी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बात कर लीजिए इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च डेट है वो हमें इस महीने में तो देखने को नहीं मिलेगा, रमज़ान से पहले पहले यानी कि 10-12 अप्रैल तक इसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, तो मेरे ओपिनियन तो यही है कि अच्छा स्मार्टफोन है, आपने गेम वगैरह खेलनी है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफ़ा देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।